सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ सिटी स्काईलाइंस। मैंने सिटी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिटी थोड़ा बढ़ा दिया है। मैंने ऑफलाइन में बहुत सारे चेंजेस किए क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे सिटी में। काफ़ी लोगों के पास गार्बेज के लिए इशू रहा, फिर काफ़ी लोगों के पास कुछ लोगों के पास ना इंडस्ट्रियल्स के बहुत कमी थे, फिर रॉ मटेरियल्स नहीं थे। फिर मैंने क्या किया, कार्गो ट्रेन बनाया। जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने कार्गो ट्रेन पे फिट किया था। देन मैंने एक ऑयल इंडस्ट्री भी बनाया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो। ऑयल इंडस्ट्री का मैंने कनेक्शंस यहाँ पे दिया है क्योंकि अंडरग्राउंड में सारा ऑयल इंडस्ट्रीज के ट्रैवलिंग्स चलेंगे, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा वो हाईवे जो ऑयल इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको क्या है भाई, इसको दिक्कत है थोड़ा, ये नहीं है मतलब इसको क्या दिक्कत है, मैं एक मिनट देखता हूँ। इसका रॉ मटेरियल्स नहीं है तो मैं इसको रिलोकेट कर दूँगा इधर। देन इसका नॉट इनफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है मैंने कर दिया भाई, तो चिंता मत कर मैंने कर दिया, तो बस खुदाई कर हो जाएगी। फिर हमारे पास बहुत सारा ऑयल पड़ा है इधर। फिर इन लोगों के पास बहुत ही दिक्कत आ रही थी, डेड बॉडीज इज वेटिंग इन रूम मतलब होम, तो इन लोगों को मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने इधर ऑलरेडी एक ये लगा दिया है जिसका अभी बहुत सारा स्पेस बाकी है, तो इसको मुझे कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इधर पे एक ना ये डालेंगे, रेलवे स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन डालेंगे। मैंने रेलवे स्टेशन बोल रहा था, पुलिस स्टेशन एक डालेंगे। तो ये है पुलिस स्टेशन, तो ये है एक पुलिस स्टेशन, कौन सा डालेगा इस आप मुझे बताना कौन सा डालें। हम एक काम करेंगे हेडक्वार्टर्स डालेंगे इधर, क्योंकि बहुत सारे क्राइम रेट्स, तो इधर उधर जो इधर पे अगर हम डालेंगे तो ये रोड पे सारा इधर सेटल अच्छा होगा। तो ये दो घर में भी जाना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी गाइस, आपको अगली जगह कहीं पे बना लेना घर। ओ सारा शहर खुश हो गया भाई, सारा शहर खुश हो गया। फिर मैंने एक बहुत मेजर चेंजेस किया है इधर पे, मैंने ना इधर एक फ्लड हो रहा था एरिया, तो इसके लिए मैंने पूरा ब्रिज इधर बना दिया, जो आप देख सकते हो ये सारा ब्रिज है जो सीधे यहाँ से आके अपने शहर में एंटर होके, फिर यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कार्गो की ट्रेन आ रही है जो लोडेड है 53%। तो ये सारा जो ट्रेन का सिस्टम है, तो यहाँ पे एक ट्रेन है, ये भी 20% पे ही है, तो इस जो ये अबंडेंट पड़ा है तो ये यहाँ नहीं जाएगा, तो सीधा यहाँ पे कार्गो स्टेशन पे आएगा, जो देख सकते हैं कार्गो टर्मिनल इधर पे है। तो मैं इधर से अभी क्या कर रहा हूँ, इधर से एक ट्रेन का ट्रैक ले रहा हूँ, तो ट्रेन का ट्रैक लेके हम यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड सिटी में लाएंगे। मैंने बताना भूल गया था, ये एक है अपना कार्गो एयरपोर्ट हब, जिसमें से ट्रेन का पट्टा भी निकलता है और यहाँ पे प्लेन्स भी आते हैं। तो मैंने इसके लिए एक हाईवे बनाया इधर, क्योंकि जो भी इधर आएंगे कार्गो ट्रक्स इधर पे आके जा सकते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इसको फ्यूचर में यहाँ भी कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि तो मतलब एक ही सिटी पे अगर एक ही रोड पे लोग घूमते रहेंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लाइक ट्रैफिक में हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो भाई सभी हम बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रेन ट्रैक जो अंडरग्राउंड पर जाएगा। तो मैं जल्दी से जाकर ट्रेन ट्रैक सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा खींचते हैं, फिर यहाँ तक डालेंगे, फिर हम यहाँ से इसको अंडरग्राउंड करेंगे। तो मैं अंडरग्राउंड के लिए अंडरग्राउंड करता हूँ इधर पर, तो बहुत ही स्टीप ज़्यादा बोल रहा है, तो हम यहाँ तक करेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे लेंगे, फिर मैं इसको थोड़ा कर्व करता हूँ, कर्व करने के लिए इसको खींचना पड़ेगा शायद। मैं यहाँ तक आके इसको ना थोड़ा ऐसा लेता हूँ, तो अगर ये यहाँ तक भी आ गया तो ठीक है, इसके बाद में मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट लेना पड़ेगा। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको हम लेंगे, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट लेंगे इधर से शायद, तो इसको स्ट्रेट लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड पे अगर हम लेंगे तो फिर से वहाँ पे एक रोड है जो शायद हमें थोड़ा परेशान कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे स्ट्राइट सिटी पे लेता हूँ, स्ट्राइट रोड, देन मैं क्या करता हूँ ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े मतलब इंडस्ट्रीज जाएंगे तो उनका तो बलिदान देना ही पड़ेगा गाइस। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे इसको थोड़ा अंडरग्राउंड करके हम उसको लगा देंगे, शायद हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अंडरग्राउंड। नहीं हो रहा, स्पेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, हाँ भाई मतलब दिक्कत क्या है भाई, अंडरग्राउंड हो जा भाई, अंडरग्राउंड हो जाएगा तो नहीं गाइस। अगर हम इसको थोड़ा इधर से रोड के पास भी लेके आएंगे तो इधर से ट्रैक अगर बन जाएगा तो फिर यहाँ से इनको फिर से दिक्कत हो जाएगी। ये ट्रक तो ऑयल लेके जा रहा है, तो मैं इसको दे रहा था इसको हटा देंगे, या तो हम इस रोड को अंडरग्राउंड ले सकते हैं या तो हम इसको अंडरग्राउंड ले सकते हैं, वरना अगर मैं इस पर पट्टी अगर रोड पे डाल दिया तो फिर से वो गेट वगैरह आएंगे जाएंगे, देखने में अच्छा लगेगा पर फिर से इतना ट्रैफिक बढ़ जाएगा। इन सब घरों को मैं हटाता हूँ थोड़ा इधर से, मैं देखता हूँ फिर हम
ट्रेन का ट्रैक बनाने वाले थे राइट, तो ट्रेन का ट्रैक हम बनाएंगे। तो फिर मैं अवेलो नगर गया जा भाई, तो मैं इसको ऊपर लेता हूँ, इट इज पॉसिबल तो मस्त रहेगा ना अगर ऊपर। तो कुछ आइडिया आ गया गाइस, तो हम क्या करेंगे इसको भी थोड़ा हटा देंगे, हम यहाँ से इसको अंडरग्राउंड लेंगे, यहाँ तक अंडरग्राउंड आएगा, फिर हम इसको ऊपर लाएंगे। ऊपर लाके शायद हम कनेक्ट कर सकते हैं इधर से, मैं बार कैमरा देखता हूँ। यस बढ़िया, तो कनेक्ट तो हो चुका है न्यू बिल्डिंग, इसको हटा भाई। यस कनेक्ट तो हो चुका है बहुत सारे ट्रेंस का, तो ठीक है हम क्या करेंगे गेम को प्ले करके देखेंगे, देखते हैं कुछ ट्रेन वगैरह आता है क्या नहीं इधर। 10% वेटिंग, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, तो इतनी जल्दी कंप्लेंट क्यों करते हो, इधर पे ऑलरेडी इतना ट्रैफिक हो चुका है, मैं कुछ कर नहीं सकता ऐसे मजे से। हम ना एक काम कर सकते हैं, इसको ना एक ही बार में जोड़ सकते हैं, इसका इस ट्रैफिक के इशू को हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, वरना ना अब क्या होगा बहुत सारी परेशानी आ जाएगी इधर। इसको हम एक ही सर्कल बना देंगे, वरना लोग यहाँ से भी आ रहे हैं यहाँ पे रुक रहे हैं। हम इसको कर, हम कैसे करें इसको, कोई आइडिया है आपको? मैं क्या कहता हूँ इसको ना डायरेक्ट ऐसे दे देते हैं, अगर ऐसे चला गया तो इसको भी हम ऐसे दे सकते हैं रोड को। ठीक है लेट्स ट्राई गाइस, क्योंकि अगर लोग उधर भी खड़ रहे हैं इधर भी खड़ रहे हैं तो अभी नहीं तो बाद में जाके बहुत परेशानी हो जाएगी वो उसकी। मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे लेता हूँ, अच्छा उधर ये तो हो गया, तो मैं इस रोड को अरेस्ट कर देता हूँ अभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये वैसे भी ट्रेन का अंदर का सेशन है, तो हम इस रोड को इस पे जोड़ देंगे क्योंकि इसको घूम के जाना नहीं पड़ेगा। आखिर गाइस आप देखते रहना वीडियो में, आपको कुछ आइडिया आए तो मुझे भी बताना, कमेंट करना, मुझे भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में राइट, जितना मालूम हो उतना भी ठीक रहेगा। तो मैं फिर से अगर इसको हटा दूँ तो लोग कहाँ से जाएंगे, तो वही रास्ता पड़ेगा, तो उधर ना फिर से ट्रैफिक जम जाएगी। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ यहाँ से देखता हूँ, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो शायद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इसको वैसे ही छोड़ दूँ, या तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ या तो इनको यहाँ यहीं से जाने दूँ। आई गेस हम इसको कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, बट फिर से वही दिक्कत हो गई यार। नहीं मुझे एक आइडिया आया, हम इसको बीच से कनेक्ट करते हैं, यही यहाँ से कहीं पर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कनेक्ट करें तो उतना लंबा सिग्नल नहीं जमेगा अगर, फिर हम क्या करेंगे इसको डाल देंगे। चलो जी डन, हम इस इंडस्ट्री एरिया को अभी थोड़ा मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज आएंगी, तो यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज आएंगी, तो ये सब इधर के सब ना इंडस्ट्रीज होंगे, तो ये सब हैं इसके हाई सिटीज, मतलब क्या होते हैं हाई कमर्शियल एरियाज। चलो अभी ठीक है, तो फाइन अभी ठीक है गाइस, हम गेम को थोड़ा रन करते हैं और लोग घर भी बनाना शुरू करते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दिए इधर। तो हमारी 21,000 की पॉपुलेशन हो चुकी है, विच इज़ वेरी गुड, बहुत जल्दी हमने इस पॉपुलेशन को क्रॉस किया। ओ भाई फायर, आग क्यों जल रही है भाई इधर, मैं आपके लिए कुछ किया हूँ क्या? मैंने शायद किया है, मतलब डेथ केयर का मैंने माइनस पे रखा है, सारे कैपेसिटी तो मैंने डाल के रखा था, वो शायद काउंट नहीं होगा। डेथ केयर मतलब भाई क्यों, मैंने किया था ना, मैंने किया है भाई, मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ डेथ केयर का, मतलब पास करो तुम लोग, मैंने डेथ केयर का कहीं पे तो डाला था इधर, शायद ये कूड़ा डालना है, ये मैंने पुलिस हेडक्वार्टर से इधर पे डाला था। मैंने एक ग्रेवयार्ड बनाया था इधर जो सिर्फ डेथ केयर्स को हैंडल कर सकता है, मैंने एक ग्रेवयार्ड बनाया था, पता नहीं क्यों कहाँ गया वो, बहुत ही डेंस एरिया है यहाँ, तो ठीक है मैं काम करता हूँ और एक बना देता हूँ, क्योंकि और एक बना देता हूँ इस बार ना, इसको थोड़ा देख लो, हम यहाँ से भी लाके इधर डाल सकते हैं, पेश स्पेस बढ़िया, ठीक है मैं यहाँ पर डालता हूँ। इसमें ना हमारे पास 3,00,000 लोग आ सकते हैं, मतलब 3,00,000 नहीं भाई 30,00,000 लोग आ सकते हैं,
हमें तो इसके बाद नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 लाख लोग अगर मरे भी तो हमारी सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। तो ये रहा हमारा शहर और ठीक चीज़ देख सकते हैं। कुछ लोग इसमें अनहेल्दी फील कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसमें क्या करता हूँ, हेल्थ केयर को थोड़ा डालता हूँ। हेल्थ केयर की मैंने कुछ डाल हैं, मतलब बहुत सिक हैं, हेल्थ केयर हमने ठीक से डाला नहीं शायद। तो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाता हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारा मेन सिटी है तो इधर पे हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। तो हमारा मेन सिटी हॉस्पिटल कैसा रहेगा, शायद यही है तो हम यही डाल देंगे, बड़ा सा हॉस्पिटल है। इसमें क्या होगा, अब पेशेंट कैपेसिटी 500 है, देन इसमें है पेशेंट कैपेसिटी 500, तो हम ये हॉस्पिटल डालेंगे, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। हम इसको यहाँ पे बनाएंगे स्पेस, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्पेस यहाँ पे डाल देते हैं, फिर सारा शहर खुश हो गया भाई। पेशेंट कैपेसिटी 500 है तो उसमें व्हीकल्स कितने हैं बता दें, एम्बुलेंस अवेलेबल 30, ठीक है। तो ये मामला सेट है, अब मुझे ये मामला देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑयल ट्रक्स तो आ रहे हैं, ठीक है, ऑयल का बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है गाइस। फिर भी हमारी इकोनॉमी हम देखें तो माइनस ही जा रही है, तो धीरे धीरे प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारा खर्चा किया है इधर, तो धीरे धीरे प्लस हो जाएगी। ये पानी इधर बहुत गंदा हमने कर रखा है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा गाइस, वरना पूरा इधर फैल जाएगा। ऑयल इंडस्ट्री हमारी चल रही है, तो इसमें ऑयल कितना पड़ा है अभी, 97% फुल, ओ शिट, बैरल्स तो फुल हो गए। तो अभी हम थोड़ा ऑयल इंडस्ट्री पे थोड़ा गौर करते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, इसका गार्बेज का, क्या गार्बेज का तो हमेशा रहता है यार, पता नहीं गार्बेज का क्या दिक्कत है, गेम ने क्या सोच के बना दिया गार्बेज, गार्बेज का तो ना हमेशा से दिक्कत ही है। हम ये डाल देंगे लार्ज टैंक्स या और एक यही डाल दें, 7500 लगेंगे इसको, 30 भाई पैसा नहीं है, हम यही डालते हैं। इस छोटे से आइलैंड पे तो स्पेस ही नहीं है बनाने के लिए कुछ भी गाइस, यार सच में मतलब इसको बनाने के लिए कुछ स्पेस ही नहीं बच रहा, हम यही पे डालते हैं इसको, ठीक है चलो डन। अब ये है स्टोरेज एरिया अपना, यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है साले, अपने इतनी मेहनत से हमने एक मतलब पूरा बनाया, यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। एक पुलिस स्टेशन हम लगाएंगे इधर, जो पुलिस की निगरानी करेगी, पुलिस ओ आ गए अपने पुलिस, कितनी जल्दी पुलिस आ गई है, मतलब मजा आ जाता है गेम बनाने में। इसे गार्बेज का तो मुझे पता नहीं इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, हमने इसका नाम लिया था ऑयल फील्ड्स दुबई, आपको याद होगा हमने इसका नाम ऑयल फील्ड्स दुबई लिया था। हम देख सकते हैं इसमें अमेजोन में मुझे इसका नाम मुझे आया तो हमने, क्या हो रहा है इधर, मतलब मैं कुछ और क्लिक कर रहा हूँ कुछ और क्लिक हो रहा है। तो लेवल 2 पे अभी तक गया है, पेट्रोलियम में बना रहा है ठीक से, देन प्रॉफिट माइनस सभी के करें। मैं बोल रहा था हम एक बार एक करते हैं अगर इकोनॉमी पे नज़र डालते हैं, हमने थोड़ा सा सपना लिया था 10% कर देंगे, क्योंकि हमें थोड़ी पैसे भी कमाने हैं। ये होता है टैक्सेस, अगर हमने इसको ज़्यादा बढ़ा दिया तो लोग हमें कंप्लेंट करेंगे टैक्सेस ज़्यादा है, तो वो शहर छोड़ के चला जाएंगे फिर, टैक्सेस अगर हमने ज़्यादा बढ़ा लिए तो मैं 1% बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1 बार में सारे लोग बाहर जाए। तो अभी कुछ ठीक है, कुछ हाल तो ठीक है, 57 आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव मिल रहा है टैक्सेस बढ़ाने के बाद। हमने एक्सपेंडिचर किया था 52 पे, देन इधर हो रहा है 52, तो ठीक है हमारा ज़्यादातर आ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हमें कुछ किया ही नहीं, राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। पाइपलाइन प्रॉब्लम्स, पाइपलाइन प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है इधर, पब्लिक प्रॉब्लम्स बाकी क्या गाइस, पाइपलाइन का कुछ इशू दिखा रहा था, अगर हम देखते हैं किधर पाइपलाइन का इशू, क्या इशू है पाइपलाइंस का, कुछ भी तो नहीं है, मतलब इनको क्या हो गया भाई, पानी का ऑटोमेटिक शॉर्ट आउट, क्या मजा करे, ये फ्लाइट कहाँ से आ गई, अपनी कार्गो तो नहीं आया, कार्गो प्लेन, यहाँ पे कुछ प्लेन्स वगैरह आ रहे हैं क्या,
हाँ गाइस, अपना यहाँ पे प्लेन आ रहा है जो 85% दिन एक लैंड हो रहा है, जो कार्गो लेके आ रहा है, ये कार्गो लेके जा रहा है। हमने लोगों के लिए कुछ ये नहीं बनाया था। पाइपलाइन प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है भाई, तुम लोगों को दिक्कत क्या आई हो? ये देखो गाइस, थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया, मुझे ना कुछ इशू लग रहा है इस पाइपलाइंस का, मैं इसको थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा कनेक्शन चेक कर रहा था शायद, देन पर कुछ इशू है। शादी को नहीं आना पड़ेगा, ये तो सॉर्ट आउट हो गया। चलो डन। वाटर अवेलेबिलिटी भी है, सीवेज अवेलेबिलिटी भी है, फिर इनको पाइपलाइन में क्या दिक्कत है? मतलब हमने वाटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रखा क्या? इसमें ना इन सब प्रॉब्लम्स को देख के सॉल्व करने में बहुत ही समय जाता है गाइस। आखिर तो गेम जब मैं इसको ना क्या करता हूँ, यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, शायद मैंने इसको छोड़ दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पानी का एक्सटेंशन पंप फिर से एक लगा देंगे। इधर ये क्या है, वाटर ट्रीटमेंट, छोड़ो उसको। हमने पॉल्यूशन तो फैलान आई है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तुझे इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी बेटा, टेंशन मत ले। फ्लाइट चेक करते हैं, इसमें 25% कार्गो। नहीं गाइस, ये 0%, मतलब ये फुल होने जा रहा है शायद। ना 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 बेटा, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। 10-10, 12-12% के लिए तुम लोग नहीं जा सकते। आखिरकार ये भी हुआ, बहुत अच्छा है सिटी का। देन हमने इधर टोल भी हमने फुल लेके रखा है, मतलब रोड से तो हमें पैसे आएंगे ही। मैं क्या सोच रहा हूँ, और एक हम टोल लगा देंगे, इसको क्या है दिक्कत, इसको गार्बेज की दिक्कत है, गार्बेज छोड़ो मेरे पास, गार्बेज की कुछ इधर तक ट्रक नहीं भी जाएंगे, वो हाईवे पे ट्रक नहीं जाएंगे। देन चलो, इतना तो ठीक है। यहाँ पे क्यों भाई गार्बेज, यहाँ पे यहाँ मतलब क्या मजाक का चल रहा है क्या? ये तो खुद सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, वाटर प्रोसेसिंग, सीवेज इज बैकअप। अच्छा, इनको सीवेज नहीं मिला, समझ गया मैं समझ गया, इनका सीवेज नहीं मिला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीवेज डालेंगे। मैं ना एक्चुअली में सीवेज ज़्यादा डालना नहीं चाहता, क्योंकि सीवेज अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो पानी बहुत गंदा हो जाएगा सीवेज से, तो मैं नहीं डालना चाहता। ओ गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी बस नहीं आ रहा, मतलब हमने इतने सारे सक्शन पंप्स लगा दिए, इधर पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें पानी का दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। मतलब यार, छोटा सा प्रॉब्लम गाइस, मतलब द लेवल ऑफ डिटेलिंग ना इस गेम में बहुत ज़बरदस्त है। देखो इधर आप देख सकते हो कि बहुत ही कम जगह पे पानी मूव हो रहा था, फिर इसको पानी जा नहीं रहा था, तो इसके लिए पानी का दिक्कत आ रहा था। वो हम इन सारे पंप्स को हम उधर पे मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, अगर यहाँ से हम पानी खींचेंगे तो बहुत मस्त रहेगा, मतलब हमें पानी की कमी महसूस नहीं होगी इधर। मतलब भाई गजब लेवल की डिटेलिंग है भाई इस गेम में। अभी सिटीज स्काइलाइंस 2 भी रिलीज हो रहा है, तो मुझे नहीं पता उसके में क्या क्या डिटेल्स हुए, ट्रेलर देखकर लग रहा है बहुत ग्राफिक तो जबरदस्त है ही। चलो ठीक है, अब शायद इनको दिक्कत नहीं होगी, चला के देखते हैं हम इनको। सीवेज ट्रीटमेंट का भी ठीक है इधर, तो चलो ठीक है गाइस। इसको सीवेज का मुझे कुछ करना पड़ेगा इधर में, सीवेज का कुछ इशू है, सीवेज के इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डैम से हम थोड़ा पानी निकाल सकते हैं। सीवेज हम कहाँ लगाए हैं, सीवेज हम सारा सीवेज एक ही तरफ लगाएंगे, क्योंकि वैसे भी अगर पोल्यूशन जा ही रहा है तो पोल्यूशन हम यहीं पे करते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें एक ना हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शहर का पानी गंदा हो गाइस।
हमारी वजह से शहर का पानी अगर गंदा हो तो नहीं लगेगा। तो अपना शहर है, हमें तो साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए कि बहुत गंदा लगे। सीवेज ट्रीटमेंट पे तो हम दो चार पंप्स लगा देंगे इधर, कि ये पंप्स इधर जो इस पे लगेंगे। और बाकी मुझे आज हम बस को भी चलाना है, ठीक है ये चल गया। देन हमारी पता नहीं हमारी बस क्यों नहीं चल रही है, इसको कुछ करना पड़ेगा यार। ऑपरेटिंग नॉर्मली मतलब कहाँ ऑपरेटिंग हो रहा है भाई, इसमें हमने बस डाला ही नहीं, हमने स्टॉप ही नहीं बनाया तो कहाँ से ऑपरेटिंग होगी। हम बस के पास चलते हैं, इसको पता नहीं मुझे क्यों अनलॉक नहीं हो रहा, मतलब बसेस नहीं आ रहा है, उसका रास्ता नहीं बनाया। अच्छा हमने बस का डिपो नहीं बनाया, समझ गया भाई मैं, बस डिपो नहीं बनाया हमने, मैं सोच रहा बस नहीं आया तो शायद बस आ जानी चाहिए। मैं देखता हूँ एक बार अपने माइनस से थोड़ा थोड़ा प्लस हो रहे हैं ये लोग, मैं देखता हूँ एक मिनट, मैं ना इस बसेस को थोड़ा देखता हूँ। चलो अब हमारा बसेस लाइन आ गए, मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ जो पूरे शहर में घूमेगी। यहाँ से जाके वहां से जाके वहां से जाके वहां से जाके मैं फिर से क्लाइम बनाता हूँ। हमने वहां पे स्टॉप नहीं डाले, आई नो हमने स्टॉप नहीं डाले, तो मैं डालता हूँ तो स्टॉप्स डाले। भाई तुम लोगों का पानी का कभी रुकता नहीं भाई, थोड़ी देर वेट करो यार, मुझे पता नहीं तुम लोगों का दिक्कत क्या है पानी का। फटाफट से सबको लगा देता हूँ इधर, इंडस्ट्रियल एरिया में भी हमें जाना चाहिए बसेस, क्योंकि बसेस होना बहुत ज़रूरी है वरना लोग काम ज़्यादा करेंगे। हमें तो बढ़ावा देना है इन बसेस का इसी में इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग इधर अगर इसमें आएंगे तो हमारी कमाई इधर ही बढ़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, मुझे ना बहुत ट्रैफिक भी नहीं करना बसेस का, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है बसेस की, मुझे वो भी नहीं करना है बसेस में ट्रैफिक, वरना लोग घूमेंगे नहीं। यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे इनका, फिर यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे इनका, देन इनका स्टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे, यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे, यहाँ पे स्टॉप ऑलरेडी बहुत नज़दीक है इसलिए शायद नहीं हो रहा वो। देन यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे इसका, वेल ठीक है गाइस। फिर अपनी बस तो मस्त चल पड़ी, इस शहर के अंदर बस नहीं जा रही है तो हम क्या करेंगे, इसी बस को लेंगे क्या या और एक बस स्टॉप ले लेंगे इधर से।
ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी तो है, तुम लोगों की दिक्कत क्या है भाई? अच्छा मैंने इसको पावर नहीं दिया गाइस, ठीक शिट शिट शिट, मेरी दिक्कत है। तो इनका दिक्कत ठीक हो जाना चाहिए। चलो इनका ये दिक्कत तो ठीक हो गई है। देन हमें क्या करना है फिर? एक हम हमारे पास वाटर भी अच्छा अवेलेबल है, देन फ्लाइट्स भी चल रहे हैं, तो अभी हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा जो भी अपना वो ये है अमाउंट है। ठीक है चलो, अब थोड़ा सा ना हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव जा रही है। देन मैं क्या सोच रहा हूँ, इधर पे हमारा एयरपोर्ट के पास हम मस्त से बहुत सारे ये लगा देंगे, हाई कमर्शियल इधर पे दुकानें होंगी। मैं इसको इधर पे लगाने के लिए सोच रहा हूँ, फिर भी सोच रहा हूँ कहीं पे इधर ट्रैफिक ना हो जाए, तो ट्रैफिक को थोड़ा अवॉइड करने के लिए मैं खींच देता हूँ गाइस, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से भी जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत कम हो जाएगी इन लोगों की। आखिर मैं सिटी में कुछ और चेंजेस करने वाला हूँ। हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक आइलैंड पे ये करेंगे, मतलब हाईटेक सिटी बनाएंगे इस जगह पे, जो टाइम से कनेक्ट होकर इधर पे आएंगे। देन मैं इस आइलैंड पे ना बहुत सारे शोरूम्स के जैसे बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी गेम में ऐड करूँ BMW की शोरूम और ऑडी की शोरूम या मर्सिडीज बेंज के शोरूम्स हम इधर पे ऐड कर सकते। पूरा शॉपिंग एरिया होगा यहाँ पे। हम ना कुछ फार्मिंग वगैरह करेंगे इस जगह पे, जंगल है तो हम जंगल बढ़ाएंगे, फिर फार्मिंग करेंगे, फिर फॉरेस्ट्री फार्मिंग, देन फिशरीज। फिशरीज की मुझे ना इस जगह पे थोड़ी लेना पड़ेगी, क्योंकि मैंने इधर पे हमने पंप डाल दिया तो पूरा पोल्यूशन हो गया इस जगह पे, मुझे उसका थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन जहाँ पे है वहाँ पे ऑलमोस्ट फिशेस नहीं होंगे। तो फिशेस के लिए मुझे कुछ और एक आइलैंड यूज़ करना पड़ेगा जो शायद यहाँ से कहीं पर कनेक्ट होना चाहिए, या हम इस जगह पे फिशरी करेंगे जो सारे इस पूरे समुंदर पे जाके आएंगी। आई थिंक उसको थोड़ा खरीदना पड़ेगा मुझे। फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा पोल्यूशन घटाने के लिए यहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगा देंगे, वरना इन दोनों को इस जगह पे डाल देंगे। सारा अगर एक ही जगह पे आएगा तो ठीक है। अब इतने लोग मर क्यों रहे हैं भाई इधर? कुछ नहीं होगा तुम लोगों, कुछ नहीं होगा गाइस, कुछ नहीं होगा। हम इसको थोड़ा मूव करके देखेंगे, इस सीवेज ट्रीटमेंट को इसको थोड़ा मूव करेंगे इधर। तू भी इधर से आ जा भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारा पानी हम पल्यूट कर दें, अच्छा नहीं लगेगा वो फिशरीज के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। फिर लोग इससे बहुत ज़्यादा हम फिर से ज़्यादा बहुत लोग क्या होंगे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर से प्रॉब्लम वही आ जाएगी, राइट? तो इसकी जो वायर है, जो पाइप जो हम बोलते हैं, हम इसको वहाँ से यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा फिर भी ठीक है। नेचर के लिए तो करना पड़ता है, नेचर्स के लिए हम दे देंगे। देन इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा पानी, शायद ये क्लीन नहीं होगा तो हमें एक हम प्लान कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए, जो हम पानी के पास जाएंगे फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जो होता है फ्लोटिंग, ये क्या है? तो ये है एको वाटर ट्रीटमेंट प्लान। तो हमें ये करना क्या, एक मतलब करेगा क्या ये, मुझे नहीं पता क्या करेगा। हम एक ताल के लिखते हैं, हम एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। द बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान इज देयर, द इको वाटर ट्रीटमेंट प्लान नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द पाइपलाइंस टू द सिटी वाटर सिस्टम व्हिच प्यूरिफाइज द सीवेज एंड मेक्स द वाटर क्लीन टू रेडी। चलो यही हमें चाहिए था, राइट? यही चाहिए था। तो हम यहाँ पे इसको डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, फिर हमारा सारा सिटी का जो पाइपलाइन है एक ही हम डालेंगे फिलहाल पे, तो आगे जाके हम दूसरे भी कनेक्ट कर देंगे उसमें। तो हम सिटी का जितना भी पाइपलाइन है इसको देते हैं। और इसको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए क्या भाई तुझे? चलो ये हमने ठीक कर दिया। गार्बेज का फिर से शुरू हो गया भाई इन लोगों का। गार्बेज का क्या करूँ मैं, गार्बेज 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 गार्बेज, इनका हमेशा कुछ गार्बेज का चलता ही रहता है गाइस। मैं जितना अवॉइड करता हूँ गार्बेज उतना ज़्यादा ये लोग पूछते रहते हैं। तो मैंने डाल दिया ना गार्बेज का, फिर से क्या दिक्कत है भाई तुम लोगों को? तुम
टोटल कभी भी ये 0% फुल लिए तो 1% ही फुल हुआ है, देन इधर पे एक ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, जो इसमें गार्बेज सर्विसेस है तो ये चलते रहता है क्या? गार्बेज रिजर्व से सारा, इतना सारा गार्बेज कलेक्ट हो गया, लैंडफिल से उतने नहीं बचे। ओ इसमें क्या चल रहा है, 1% फुल। हम क्या करते हैं, गार्बेज को थोड़ा सा जलाएंगे, इंक्रीशन प्लान डालेंगे गार्बेज को। ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट कलेक्टिंग गार्बेज व्हाई नॉट बर्न इट एंड बर्न इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द पावर स्ट्रीम टर्माइंस। ठीक है, तो हम ये बहुत सारा लगा देंगे, एक और दो और तीन, तीन काफ़ी है फिलहाल के लिए। तो इनका क्या दिक्कत है, नॉट टेन ऑफ बायर्स। मैंने ये तो लगा दिया, ये सारा एरिया ना इंडस्ट्रियल एरिया रखा है, ट्रेंस भी आ रहे हैं, ट्रेन जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ मेट्रो डालते हैं लोगों को घूमने के लिए, फिरने के लिए मेट्रो डालते हैं। मेट्रो स्टेशन में ना अंडरग्राउंड ही डालना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेट्रो स्टेशन अगर अंडरग्राउंड रहेगा तो लोग बहुत आसानी से घूम सकते हैं। तो पहले हम इनर सिटी मेट्रोज डालेंगे, जैसे कि यहाँ से सिटी पे जाके यहाँ पे रुकेगी, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगी, फिर वहाँ से यहाँ पे डालेंगे, कुछ ऐसा कुछ मेरा सिस्टम चल रहा है, फिर हम उसको एक्सपेंड करेंगे। वेल डन गाइस, तो हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम मेट्रोज डालेंगे शहर में, जो मैंने अभी प्लान बताया उसी प्लान के मुताबिक हम मेट्रोज डालेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, जस्ट मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड डू कमेंट मी विद योर व्यूज, एंड जो भी आपकी इच्छा है तो बता देना गाइस।